कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत सारे शॉप है, तुम रॉयल कोल्ड ड्रिंक्स है, एक टर्किश डिश है, बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो ये नाम सुनते भाग के आते हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत कम जगह पे मिलती है। बी भेजा फ्राई, बी हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस अक्षय सर, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो गाइज, हैदराबाद का सीरीज किया, पुणे का किया, मुंबई का किया, अभी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कौसर बाग उनको रात में देखना था, तो आप सबकी रिक्वेस्ट को मतलब एक इतना आपने कमेंट करके बोला है, वो सब चीज़ें याद रख के और आपकी ब्लेसिंग्स याद रख के मैं आया हूँ कौसर बाग, क्योंकि आपको दिखाने थी कौसर बाग का रात का माहौल जो होता है वो दिखाने के लिए। एंड जैसे मैं आता हूँ, जैसे आपको हमेशा पता है कि मैं आते ही पूरा एक बार लेन चेक कर लेता हूँ, फिर आपके लिए टॉप वाली चीज़ें ढूंढता हूँ ताकि आपको ढूंढने में इजी हो, जब आप आओगे तो आप इजीली जो आपको खाना है वो ढूंढ सकते हो। तो मैं पूरा घूम के आऊँ, ये लेन है ना आज तक की बहुत लाइवली लेन देखी है, जैसे मोहम्मद अली रोड हमने देखा था वहाँ पे भीड़ होती है, मुंबई हमेशा क्राउडेड होता है, पर पुणे में ऐसी लेन जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारी चीज़ें आपको खाने मिलेगी, एंड स्पेशली स्वीट्स एंड डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा है। अभी हम जाएंगे, आपको पूरा लेन दिखाऊंगा, पूरी चीज़ें घूमेंगे, और आप ये वीडियो एंजॉय करिए, और अगर आप चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो पे एटलीस्ट 1000 लाइक कर दीजिए। चलो अभी चलते हैं कौसर बाग के सबसे बड़े इफ्तार स्टॉल पे हम, और हमारे साथ तनवीर भाई है। तनवीर भाई, आपको डायरेक्टली ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक भी, क्योंकि ईद अभी 2 दिन में आ रही है। सो आपका ये ताज, बिस्मिल्लाह ताज दरबार स्टॉल, कितने सालों से आप लगा रहे हो? हम लोग पिछले 15 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। और क्या क्या होता है आपके साथ? हमारे यहाँ स्पेशल खीरी है, कलीजी है, बोटी है, और सीख कबाब है। सीख कबाब ये हमारा स्पेशल है, ट्राई करना ही चाहिए किसी को आएगा। एक बार आके ट्राई करिए, टेस्ट लीजिए, फिर हमेशा आते रहिए। हम देखते हैं स्टॉल पे एग्जैक्टली क्या क्या है, जैसे कि अभी रात के 1 बज रहे हैं, वो सारी चीजें तो खत्म होने, आधे से ज्यादा तो खत्म हो गया है, खत्म हो गया, बिरयानी खत्म हो गई, हमारा दालचा खत्म हो गया, कोरमा खत्म हो गया, और हमारा ये जो स्पेशल है यहाँ पर बैदा रोटी है, चिकन बैदा रोटी है, बीफ बैदा रोटी है, चिकन रोल है, बीफ रोल है, तवा गोश है, चिकन तवा गोश है, ये चिकन समोसा है 20 रुपीज़, चिकन रसियन कबाब 20 रुपीज़, ये चिकन साटे है, चिकन साटे हाँ 50 रुपीज़, चिकन मस्तानी कबाब 40 रुपीज़, ओके, चिकन शाही रोल, शाही रोल अरे हाँ, बहुत बढ़िया 30 रुपीज़, 30 रुपीज़, चिकन स्टिक, चिकन स्टिक हाँ 40 रुपीज़, ये बीफ बैदा रोटी 70 रुपए का, ये चिकन बैदा रोटी 80 रुपए का, ये चिकन रोल है 60 रुपए का, और इस तरफ क्या बना ये है? चिकन मसाला है, चिकन मसाला 100 कैसे बनता है, मतलब क्या करते हो आप? ये इसमें पूरा सब मसाला वसाला रहता है, ओके, सब कोदमीर पुदीना धनिया ये सब डाल के बनता है, और उसको फ्राई करना पड़ता है। और किसके साथ खाते हो ये? रुमाली रोटी का साथ खाओ, लच्छा पराठे का साथ खाओ, बीफ भेजा फ्राई, बीफ भेजा फ्राई, ये तो मतलब पुणे हैदराबाद कहीं नहीं दिखा, बस यहीं पे दिखा है कौसर बाग में, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? तो ये बीफ तवा गोश, ओके बीफ तवा गोश। इनके स्टॉल पे ना बहुत अलग अलग वैरायटीज है, जैसे आप सीख देख रहे हो, सीख के तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ये खीरी है, ये खीरी है, ये कलेजी है, ये बोटी है, बोटी है, और ये सीख कबाब है बीफ का, बीफ का, ओके बीफ बोटी, चिकन लेग पीस है यहाँ पे, और ये चिकन लेग पीस, ब्रेस्ट पीस है, हाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। सो मोहम्मद आया ना अपने साथ, कितने कौन से स्टैंडर्ड में? 8th standard, यार 8th standard के हिसाब से हाइट तो देखो इसकी, क्या हाइट है यार, बस बढ़िया एकदम। तो स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं ना, पक्का यार, स्पोर्ट्स खेला अगर हाइट है तो हाइट का फ़ायदा उठा। तो गाइज फाइनली पुणे आने के बाद हलवा पूरी दिखती है, और कौसर बाग में हलवा पूरी के बहुत सारे स्टॉल है, तो उसमें से एक स्टॉल पर हम आए हैं, क्योंकि हम नाइट वाला वीडियो कर रहे हैं, हम सब अलग चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, तो ये अलग सेक्शन है, जैसे लेन बी है, अपने साथ अर्जुन भाई है। अर्जुन भाई क्या है, कैसे दिया आपने पचास का पाव किलो है, 100 का आधा किलो, 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो, तो ये पराठा है, ये हलवा है।
गाइस अभी हम फालूदा के काउंटर पे, यहाँ पे बहुत सारे फालूदा मिलते हैं अलग अलग टाइम के, और आपके साथ मोहम्मद मसीहूर भाई है। मसीहूर भाई आपको रमजान मुबारक। तो कितने टाइप के फालूदा अपना? पाँच टाइप का है। एक और रेडी अपन कैसे का फालूदा है। ओके हाँ, और दूसरा फालूदा हमको फेवर में चाहिए तो अपना स्ट्रॉबेरी है, रोज है, मैंगो है, बटर स्कोर है, हाँ ड्राईफ्रूट में रहेगा, और अपना एक कटोरी में आता है पहले में, वो भी वो ड्राईफ्रूट में आता है। उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? एक वो रेबड़ी रहता है, ड्राईफ्रूट रहता है, और अपना केसर आइसक्रीम रहते हैं। हाँ रेबड़ी फालूदे। अपने साथ संतोष सर और सागर सर है जो कि पुणे से है। सो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो? हमेशा आते हो एक्सप्लोर करने? हमेशा आते हो? और इनके साथ फर्स्ट टाइम? और सर हमारे वीडियो हमेशा देखते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो ये कैसे लग रहा है? दैट मुंबई रोड अलीम। यस हलीम। वो क्या हिंदू हैदराबाद का कौन सा था वो? मलेपल्ली। हाँ मलेपल्ली वाला। यस मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स। रियली मैं भी देखा है। हाँ उसका फल मिलता ना। अनवर भाई मिले। अनवर भाई सबसे पहले आपको रमजान मुबारक, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आप अनवर भाई ने बहुत सारे वीडियो मिले और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है मुझे देख के। थैंक्स अलॉट। कौसर बाग का वीडियो देखा हो, दूसरा गोवा का वीडियो देखा हो, आपके बहुत सारे वीडियो देखा हो मैं अक्षय देसाई, और काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, और जो कौसर बाग को जो एक्सपोज किया है हमारे अक्षय भाई ने एकदम। थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट। ये आपका बेटा है? हाँ ये मेरा। आपका नाम क्या है भाई? आतिफ। कौन से स्टैंडर्ड में हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अरे वाह, तो अभी क्या आइसक्रीम बने आए हो? आइसक्रीम बने आए हो? हाँ। अरे वाह, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते हैं अच्छे से। गाइस अभी हम ना इस एरिया में घूम रहे हैं, तो ये लेन ना बहुत बड़ी है। लास्ट टाइम हमने कौसर बाग का अदर पार्ट कवर किया था, इस टाइम हम एक्चुअल कौसर बाग की जो मस्जिद है उस एरिया में कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काउंटर्स है, तो हम गिने चुने आपको दिखाएंगे, बाकी लेन तो आपको पूरी दिखा देंगे ताकि आपको घूमने में ईजी हो जाए, और जो चीज़ें आपको ढूंढनी है बहुत आसानी से आप ढूंढ पाओगे। तो अभी डेजर्ट्स भी दिखाएंगे आपको, बट वो एंड में दिखाएंगे इस टाइम। सो गाइस अभी हम टमटम ढाबा में है और अपने साथ मलिक भाई है। मलिक भाई सबसे पहले आपको रमजान मुबारक। ये भाई तो ये आपको भी रमजान मुबारक भाई। तो ये फॉर रमजान स्पेशल है? एक्चुअली हम लोग मोस्टली रमजान बेस ही लगाते हैं इसको। ओके वन मंथ के लिए, और हमारा जो टोटल फूड है ये दिल्ली एंड लखनऊ बेस्ड है। दिल्ली और लखनऊ बेस्ड। और जो हमारा टेस्ट है टोटली डिफरेंट है। ओके बहुत ऑथेंटिकेट मसाले हम यूज करते हैं। ओके मोस्टली हम मसाला इंडस्ट्री में ही हैं, स्पाइसेस में ही है हमारी जो कंपनी है, ये आज स्पाइसेस ही रजिस्टर्ड है। ओके और ये जो हम लोग ओपन करते हैं रमजान में, ये फॉर जो डिमांड है यहाँ की, मतलब लोगों की बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, इसकी वजह से हम एक वन मंथ के लिए ओपन करते हैं लोगों को अच्छे फूड। ये हर साल होता है? मतलब कितने पिछले कितने सालों से आप? पिछले हम लोग तीन सालों से। तीन सालों से? चार सालों से। ओह दैट्स ग्रेट। तो आपका ये जो मटके रखे हैं यहाँ पे, ये किस चीज के लिए होते हैं? मतलब ये इसमें मोस्टली हम खीर प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल खीर होती है। ओके जी हाँ, जो बहुत टेस्टी होती है। ओके और ड्राई फ्रूट से बनी होती है। ड्राई फ्रूट से बनी होती है। स्टार्टर्स है, स्टार्टर्स भी है, कबाब है, चिकन बर्रा हमारा बहुत स्पेशल है, फेमस है ये। okay. आपको डेली भी मिलेगा, मोस्टली करीम से मिलेगा। करीम से मिलेगा। हाँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मसाले में। ओके एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपने ये कवर करके रखा है, क्योंकि मोस्टली हर जगह पे मैंने नोटिस किया कि डस्ट है हमारे पास, और भी कुछ आइटम्स हैं। ओके लेकिन डस्ट की वजह से उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, पर ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपने वो कवर करके रखा है ताकि ये डस्ट वस्ट ना बैठे। अभी हम मदीना रेस्टोरेंट के इफ्तारी वाले काउंटर पे है, अपने साथ बिपिन वाजपेयी भाई है। भाई कैसे हो? सो इफ्तारी में क्या क्या स्पेशल है? स्पेशल चिकन शाही रोल है। चिकन शाही रोल? चीज शाही रोल है, इसमें चीज रहता है, चिकन का खीमा रहता। कितने रुपए का ये? 50 रुपए का, 50 रुपीज। ये कुछ अलग लग रहा है, ये क्या है? चिकन पालक तिल कबाब है। चिकन पालक तिल कबाब? हाँ। अरे बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट टाइम देखा हमने। कितने का ये? 30 रुपए का, 30 रुपीज का एक है। 30 रुपीज का एक है। ओके चिकन रेशमी कबाब है, रेशमी अंदर खीमा रहता है, 30 रुपीज का एक है। 30 रुपीज का एक। हाँ। और ये क्या है? एक खीमा कबाब, बीफ खीमा कबाब है। खीमा कबाब वो कितने का है? वो 20 रुपए का एक है। 20 रुपए का एक। सो गाइस यहाँ पे हमें स्वीट भी दिख रहा है, तो ये है लौकी का हलवा। कितने का है ये? 50 रुपीज का, 50 का। 50 रुपीज का ये लौकी का हलवा मिलेगा आपको। ड्राई फ्रूट्स रहते हैं अंदर, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो मदीना रेस्टोरेंट पे ये सारी चीज आपको खाने मिलेगी अलग वाली। अभी हम चलते और भी प्लेसेस कवर करते।
गाइस अभी हम और एक डेजर्ट के स्टॉल पे है अलहमदुल्ला होटल के। तो अपने साथ कवरेज भाई है, कवरेज भाई और उनके सब भाई है, आप सबको रमजान मुबारक। तो आपके स्टॉल पे क्या क्या है? हमारे स्टॉल पे आपको मिलेगा शाही टुकड़ा, मिलेगा शाही टुकड़ा है। कितने का ये? ये आपको पड़ेगा 50 रुपए का वन पीस। 50 रुपीज वन पीस, ग्रेट। और क्या क्या है? ये मावा समोसा, ये आपको 30 का वन पीस मिलेगा। 30 का वन पीस। स्वीट होता होगा ना पूरा? स्वीट। ओके। और ये? ये दूधी हलवा है। दूधी हलवा, ये 50 का वन पीस। 50 का वन पीस। और ये मटका रबड़ी। मटका रबड़ी, ये 90 का वन पीस। ओके। तो मटका रबड़ी हमने इस साल कहीं नहीं देखी थी, ये शायद से फिर नहीं है। ये फिर नहीं है। तो फिर नहीं में कितने फ्लेवर का? एक सिंगल फ्लेवर का है। सिंगल फ्लेवर का। सिंगल फ्लेवर का। क्या कॉस्ट है इसका? ये 50 का वन पीस। 50 का वन पीस। और ये गुलाब जामुन? ये गुलाब जामुन है 60 का टू पीस। 60 का टू पीस। यार कितने बड़े गुलाब जामुन है। और यहाँ पे रबड़ी मालपुआ भी मिलता है। मालपुआ कितने का? ये आपको 120-160 का है। 120-160। 120 में सिंगल आएगा, 160 हाँ, में डबल आएगा। डबल आएगा। ओह ग्रेट। तो गाइस बहुत सारे ऑप्शन है। तो इनका होटल भी है, तो होटल में भी बहुत सारी चीज़ आपको खाने मिलेगी। सो आपको रमजान मुबारक भाई। तो रॉयल कोल्ड ड्रिंक्स है, तो रॉयल कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। और इस तरफ हर जगह आपको देख सकते हो बहुत भीड़ है, बट फूड स्टॉल्स कम हो चुके हैं। जैसे कि अभी रात के 11-12 बज रहे हैं, तो फूड अभी बनेगा सुबह और होता है इफ्तारी के टाइम पे। तो गाइस मुदस्सिर भाई अपने साथ, आपको रमजान मुबारक भाई। शुक्रिया भाई आपको। तो गाइस अभी हम आए यहाँ पे तावरा पीने के लिए। तावरा पीने के लिए अभी भीड़ देखिए कितनी है यहाँ पे कौसर बाग में, सब लोग हैं। और यहाँ बन रहा है तावरा। उड़ी का ब्रांच है यहाँ पे, टेस्ट काफी अच्छा है। तो गाइस अर्शद भाई मिले हैं। अर्शद भाई आपको रमजान मुबारक और ईद मुबारक भी, क्योंकि थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सेम टू यू। तो अर्शद भाई ने हमारा वीडियो देखा था, कौन वाला राइट, उनको पसंद आया, वेरी नाइस। ये लेन कितने बजे चालू होता है? आई थिंक इट कंटिन्यूज जस्ट अबाउट 2। Yes. Oh, that's great. And it's crowded as well, right? Everyone is happy it's, and it's, enjoying. It's every time crowded, especially after iftar. After iftar. Yes. That's like very good to see that everyone is enjoying and they are happy, and शारिक भाई और विशाल भाई हमारे साथ। तो ये आए हैं ऑल द वे फ्रॉम पिंपरी, सो ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर दूर से आए हैं। क्या क्या ट्राई किया सर आपने? एक्चुअली अभी हमने जलेबी खाया था, ओके, एकदम बेस्ट लगा था जो रबड़ी के साथ था। और मैं आपका चैनल पहले से देखता हूँ, आशीष जैसे करके ब्लॉग में आपको फॉलो भी करता हूँ, और जैसे ही आप दिखे तो मैं रुक गया और आपके पीछे आपको फॉलो कर रहा था। और यहाँ पे मोमिनपुरे का स्पेशल एक ये भी मिलता है तावरा, वो भी ट्राई किया अभी, जस्ट निकल रहे थे उससे मैं आप दिखे तो हम रुक गए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। और एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि आप ऑल द वे इतने दूर से ये ट्राई करने आए हो, तो बहुत सारे लोग आते हैं रमजान के मौके पे आते हैं। और ये मेरा भाई है विशाल करके, यस। सो ये परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं हमेशा बोलता हूं ना यार, एक साथ रहो खुश रहो, बहुत बढ़िया। फाइनली हमें ऐसी चीज़ दिखी है जो आज तक हमें कहीं नहीं दिखी थी, बस आजम कैंपस के एक स्टॉल पे दिखी थी, बस उनके पास वो छोटा क्वांटिटी था। और यहाँ पे पूरा स्टॉल है, और मैं बात कर रहा हूँ द बकलावा किंग। बकलावा एक टर्किश डिश है, बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो ये नाम सुनते भाग के आते हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत कम जगह पर मिलती है। तो गाइस अपने साथ मोहसिन भाई है। मोहसिन भाई आपको रमजान मुबारक। सो ये बकलावा किंग कितने सालों से आपको? ये हम लोग ने इसी साल इंट्रोड्यूस किया है, ओके, पुणे में। Okay. ये पहले ऑनलाइन वगैरह मिला करता था या कुछ स्पेशल स्वीट स्टोर्स में मिला करता था, राइट। यहाँ पे इस साल हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है और इंडिया में ही इसको बना रहे हैं हम लोग। और ये स्पेशली ये टर्किश आइटम है, टर्किश स्वीट डिश है, right. इसको इंट्रोड्यूस किया है लोकली हम लोगों ने, okay. इसमें एक पिस्ता का है, पिस्ता शो के 2 पीसेज है, एक काजू का है और एक वॉलनट का पीस है, वॉलनट का पीस। एंड ये बहुत ही कम रेट में इस बार हमने एज अ स्टार्टिंग पैकेज रखा हुआ है, ओके, 4 पीस एक में है 150 रुपीज में। बहुत इसको अच्छा रिस्पॉन्स आया है इस साल, और अगर अच्छा और रिस्पांस आएगा, और अभी जो कमिंग डेज है रमजान एंड होने के, और अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम इसका मोस्टली इंशाल्लाह एक स्टोर खोलने का प्लानिंग में है पुणे में। आपको ऑल द बेस्ट, और थैंक यू। एक्चुअल में खुल जाएगा, क्योंकि ये देखिए अभी हम आए हैं 12:30 बजे, ये मार्केट चलते सुबह के 4 बजे तक, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस इतने ही पीस बचे हैं। और इनके पास एक स्पेशलिटी भी है, इसमें एक स्पेशलिटी है मिल्क बकलावा है, मिल्क बकलावा, ये कोल्ड करके खाया जाता है, इसके अंदर मिल्क और ये चॉकलेट के टॉपिंग के साथ में, दिस इज़ द स्पेशलिटी ओवर हियर। तो ये मस्ट ट्राई। ये कितने का है? ये 200 रुपीज़ का है। ये 200 रुपीज़। एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग बल्क ऑर्डर्स आफ्टर रमजान ऑल्सो। ओके। फॉर रमजान ईद ऑल्सो वी आर बाइंग। सो गाइज मैं इनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको अगर ऑर्डर करना हो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। आज है ना, अजय भाई ने बहुत हेल्प करी है, तो अजय भाई को आप हमेशा देखते हो। सो
तो स्पेशली आज उनको तावरा भी ट्राई करना था और उन्होंने हमारा साथ दिया ब्लॉग बनाने में, हमेशा दे देते यार बड़े भाई। सच में आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत सारे भाई है जो मेरा बहुत साथ देते हैं, तो अजय भैया को हमेशा हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि एक ट्रैक हमने ऐसे किया था कतारगढ़ का, 2 घंटे नीचे जाने में लग गए थे, 3 घंटे ऊपर आने में लग गए थे। तो आज का ब्लॉग में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, मोस्टली डेजर्ट्स और स्वीट्स कवर करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम पे आए ना जब सारी चीज़ें खत्म हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आए, आपको सारी चीज़ें दिखाए। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।